अब मैंने मुंडी नीचे नहीं लेके गया, इसी लेवल से मैंने खर्च नीचे लेके गया। हालांकि इतना नीचे जाना आप नहीं कीजिए। नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। बेवजह आप खर्च नीचे का खर्च लगाएंगे, आवाज़ को मोटी करोगे। अब नेचर देखो, मोटी आवाज़ करोगे तो आपका स्ट्रक्चर भी गले का मोटा हो जाएगा और मोटी आवाज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। और लाइट गानों में तो मुर्गियाँ चलती है, आज का ट्रेंड तो पूरे टॉप पर गाने वाले लोग हैं। अरिजीत सिंह ने जो ट्रेंड बना दिया है उसके बाद में जो भी गवैया आ रहा सब वो ऊपर ही गा रहे हैं, तो क्या वो खर्च की रियाज करते क्या? पूछो जरा उनको। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ, कोई नहीं बताएगा तुमको वो खर्च की रियाज करते ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने नेचुरली हमको पंचम तक खर्च लगाने का तरीका पहले दे दिया। आवाज़ पहले मिल गई है, ब्रेन के अंदर उसकी कितनी गहराई है वो देख। सा नि ध प प ध नि ध रे ग ग म प ध नि सा नि ध प म ग म ग रे सा नि सा म ग रे सा नि सा। नोटेशन को ढूंढने के लिए सबसे पहले सा ग म प ग म ध प द म प ध नि सा नि ध नि ध प द म प ग ग म प ध रे रे ग म प ध सा सा रे ग म नि सा रे ग ध धनी रे। इस तरीके से चलना चाहिए, विषय के साथ में आ रहा है। अब ये जो है म प धनी प ग म रे सा धनी रे सा धनी प प प प प, खर्च कैसे लगाए, खर्च क्यों लगाए, खर्च कितना लगाए, उसका तरीका है। ट्रेडिशनल परंपरा जो चलती आई है उसको मैंने यहाँ पे रोका है। आप ध्यान दीजिए मेरे तरफ, जो थ्योरी में लिखी हुई चीज़ है वो प्रैक्टिकल अप्रोच करते वक्त उसमें बहुत सारी दिक्कतें मुश्किलें आती है। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो, और आपको उतना ही गाना है, आप परफॉर्मेंस करना है स्टेज पे, अगर आर्टिस्ट बनके, अगर स्टूडेंट बनके एग्जाम देना है तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपका दो घंटे अगर स्टेज पे गाना है और आपको अपनी आवाज़ को उस तरीके से बनाना है तो आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसके अंदर गौर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेरे पास में पढ़ रहे थे वो 10 साल पहले कहीं बिगड़ के या सीख के आए थे, सीखे क्या बिगड़ के आए थे, उनको सुधारने के लिए मुझे पहले वाइट वॉश मारना पड़ा वहाँ पे, और धीरे धीरे इस स्टाइल को, क्योंकि गला जो चलता है वो एक तार के अंदर आप छोटा एक बांस का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा डालो, उसको इधर करो इधर आवाज़ चलेगी, उसको इधर करो इधर आवाज़ चलेगी, वो ऐसा लंबा नहीं होगा। लंबा हो सकता है तो टेक्निकली ही लंबा हो सकता है, वो नेचुरली लंबा नहीं होगा, यह 100% सत्य बात है। आप करके देखिए, काली चार में 8 दिन रियाज करो, आपको काली एक ऊपर लगेगा। आप काली दो में रियाज करो 8 दिन, आपको काली एक इजी लगेगा, काली चार बड़ा नीचे लगेगा। अब मैं तो बोलता हूं कि आप करके देखिए ना, मेरे पे क्यों कर रहे हैं, मेरे बोलने पे क्यों विश्वास रख रहे हैं, आप खुद करिए, बाद में आप सिक्का लगाइए कि नहीं यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, पत्की जो बताता है वो ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं खुद इस चक्कर में 30 साल 40 साल अपने आगे पीछे करके बर्बाद कर चुका हूं, तब लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि अब मैं सेंस मुझे आ गया है कि आप लोगों को किस माध्यम से मैं ले जा सकता हूं जो कि आपको खुशी दे सके। तो खर्च करना चाहिए, ठीक है, अब लोग बोलते करना चाहिए, मैं बोलता हूं खर्च करना चाहिए, ठीक है, मानता हूं, मैं तो नहीं करता हूं, मैं परमिशन भी देता नहीं कि आप खर्च करो करके। पंचम तक कितने देर रुकना है, धनी भा म धनी सा, ठीक है इतना। अब वो ऐसा करते बैठ रहे, ऐसा करने से नुकसान क्या होता है पता है, आप जितना नीचे जाओगे उतना आपका ये वोकल कॉर्ड का जहां पे वाइब्रेशन होगा सुरों का, तो जहां वाइब्रेशन होता है वहाँ की जगह ठोस होने लगती है। जो चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है वो चीज़ वहाँ पे हार्डनेस पकड़ने लगती है।
आपने कराटे खेलने वालों के हाथ देखो, या फिर दंड मारने वाले के दंड देखो, या फिर ढोलक बजाने वाले के यहाँ पे देखो, उसको मांस निकल भी जाए तो भी तकलीफ नहीं होती है, इतना हार्ड हो जाता है वो। अगर गले में बार बार वहाँ पे खर्ज में वाइब्रेशन हो रहा है तो गले की जो मसल्स होती है वो कड़क होने लगती है। अब जहाँ कड़क आता है वो चीज़ टूट जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आपको नेचर ने पंचम तक आवाज़ वैसे ही अपने आप जाने का खर्च दिया है। दूसरी बात, आप क्या हासिल करने वाले हो नीचे सर्ज लगा के? आपको कोई नोबेल देने वाला कि क्या सर्ज लगाए नीचे, एक घंटा सर्ज लगाए आपने, ये पाते वक्त वो तो खो दिया है खर्च के चक्कर में, क्योंकि लिखा हुआ है। और जो लोग आपको खर्च करो बोलते हैं उनको देखो, उनको कितने, मतलब जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो कहाँ गाते हैं, उनको ऊपर गाते वक्त तकलीफ होती है या नहीं होती है, ये आप शागिर्दों का काम है कि आपने देखना चाहिए उनको, कि उनको सुरगो ये नहीं। तो कुछ गवैये है जो बहुत आदर्श है, बहुत आदर्श है, अच्छे सिखाते हैं, अच्छे गाते हैं, सिखाने का मुझे नहीं पता लेकिन अच्छे गाते हैं। क्योंकि वो लोगों को आप अगर उनका अनुकरण करते हो तो आप उनके स्टाइल का अनुकरण करो, उनकी आवाज़ का अनुकरण मत करो। धनी सा धनी पगमरे नीरे सा, ब्रेन के अंदर सुरों की जगह है और गला अपने हिसाब से काम करने के बाद में उसको वो प्रोड्यूस करता है। अब हरे दा ये करने की जरूरत नहीं है, हरे दा रे दा धने प मा प सा धने प, ये ज़्यादा जोर लगा दिया मैंने, मा प धने दा रे नी दा गम रे दा धने प मा प सा प गम रे दा धनी रे गे। अब ये जो चीज़ है ये आधा पौन घंटा के बाद में ही आवाज़ बढ़ती है। आप पहले से आवाज़ को अगर अरे ऐसा करोगे पंडित जी जैसा, पंडित जी की पहले रियाज हुई रहती है उसके बाद में वो आवाज़ लगाते हैं, आप उनको वैसे ही सुनते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि अरे क्या आवाज़ लगी, पहले मेहनत है उसकी। आप लोग इतना भी उसको जोर मत लगाओ कि आगे चल के वो जो मसल्स है वो थोड़ा सा आपने को जवाब देने लगे, पहले धीरे धीरे आवाज़ को गर्म करने दीजिए। और खर्च जितना भी लगाना है अब मैंने मुंडी नीचे नहीं लेके गया, इसी लेवल से मैंने खर्च नीचे लेके गया। हालांकि इतना नीचे जाना आप नहीं कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, इतने नीचे मत जाइए, जितना की ज़रूरत है उतना ही खर्च का रियाज कीजिए।